एक और भीषण ट्रेन हादसा, एक बार फिर मची चीख पुकार। अचानक ऐसे झटका लगा ना, तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए। एक बार फिर तहल उठी जिंदगी। हम बैठे हुए थे, लगभग आधा घंटा हुआ था, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से जस्ट बैठे ही थे, अचानक जोर का झटका लगा और जब हम लोग 2 से 3 मिनट में उतर करके देखे तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था डिब्बा। खराब सिग्नल, ड्राइवर की चूक या फिर इंटरलॉकिंग फेलियर। कंचनगंगा एक्सप्रेसवे को मालगाड़ी ने पीछे से कैसे टक्कर मारी, किसकी गलती ने ली 15 लोगों की जान, आखिर क्यों हम 2023 के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 290 के करीब लोगों की जान खोकर भी क्यों सबक नहीं सीख पाए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। लेकिन उसके अलावा दो और चीजों के बारे में और बात करेंगे। पहली है कवच, यानी कि वो सिस्टम जिसे रेल मंत्री ने खुद बैठकर टेस्ट किया था। आखिर क्या है ये कवच जिससे दो ट्रेन आपस में नहीं टकराती, कैसे काम करता है ये सिस्टम और यहाँ पर क्या हुआ था? कवच का इससे कोई संबंध नहीं, कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। दूसरी चीज जिस पर बात करनी जरूरी है वो है कि आखिर हमसे कई गुना तेज ट्रेन्स चलाने वाला जापान यहाँ पे 55 सालों में एक भी रेल हादसा वहाँ पर कैसे नहीं हुआ? जापान की ट्रेन कैसे है दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रीसेंट हादसे से। देखिए, पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी का रंगापानी हॉल्ट, हॉल्ट यानी कि वो जगह जहां पर कोई भी ट्रेन रुककर खड़ी हो जाती है। यहां सोमवार सुबह 8:55 पर अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनगंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, तभी उसमें बैठे यात्रियों को बहुत तेज झटका लगता है और धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। दरअसल कंचनगंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी थी। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे की खबरें और हवा में झूलते कोच जैसे दिल दहला देने वाली वीडियोस और फोटोज तो आपने देख ही लिए होंगे, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे ये हादसा हो सकता है। इसे हम 3 सिनेरियो से समझेंगे। पहले, हादसे से पहले क्या सिचुएशन थी, हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद क्या क्या हुआ। हादसे से पहले देखिए, अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनगंगा एक्सप्रेस 13174 17 जून की सुबह करीब 30 मिनट की देरी से 7:50 पर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंची। अगला स्टेशन अलू आबाड़ी रोड जंक्शन था जहां ट्रेन को 9 बजे तक पहुंचना था, पर अलू आबाड़ी जंक्शन से करीब 49 किलोमीटर पहले रंगापानी स्टेशन पड़ता है, यहां पर हॉल्ट पर ये तारें खड़ी हो जाती हैं। हादसा हुआ कैसे? दूसरी तरफ सुबह 8:55 पर सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी आगे बढ़ जाती है और करीब 9 बजे रंगापानी स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूर उसी ट्रैक पर खड़ी कंचनगंगा एक्सप्रेस से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कंचनगंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे और मालगाड़ी का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कंचनगंगा एक्सप्रेस में सबसे पहले गार्ड केबिन, फिर 2 पार्सल डिब्बे और इसके बाद जनरल डिब्बा था। गार्ड डिब्बे के अलावा पार्सल डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर चढ़कर हवा में उठ गया हादसे के बाद। अब इस हादसे में जब ये वीडियो बन रही थी तब तक लोको पायलट समेत 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें गैस कटर की मदद से डिब्बों को काट कर अंदर फंसे कुछ लोगों को बाहर निकाला। घायलों को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में एडमिट किया गया, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, माने संख्या में इजाफा हो सकता है। कंचनगंगा ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे ने मृतकों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। हादसा आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, अब आते हैं उन वजहों पर जिनसे ये हादसा हुआ। इस ट्रेन हादसे की 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की।
इंडियन रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा के अकॉर्डिंग मालगाड़ी के लोको पायलट ने रेड सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना था तब वे मालगाड़ी लेकर रफ्तार से आगे बढ़ गए। कम्युनिकेशन गैप, रेलवे रूल्स फॉलो ना करने जैसी मानवीय भूल इस हादसे की पहली वजह बताई जा रही है। हालांकि इस सिग्नल की अनदेखी के पीछे तेज बारिश की वजह भी हो सकती है। विजिबिलिटी कम होने से मालगाड़ी का लोको पायलट सिग्नल ठीक तरह से देख नहीं पाया होगा। ऐसे में उसी ट्रैक पर खड़ी दूसरी ट्रेन से मालगाड़ी टकरा गई। दूसरी, सिग्नल में खराबी या कोई टेक्निकल गड़बड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सुबह 5:50 से ही खराब था। कंचन गंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी स्टेशन से रवाना होती है और सुबह 5:50 से जारी सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी की वजह से रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट के बीच रुकी रही। अब जब सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आती है तो स्टेशन मास्टर TA 912 रिटर्न अथॉरिटी जारी करता है। ये ड्राइवर को खराबी की वजह से सभी रेड सिग्नल पार करने की अथॉरिटी देता है। रानी पात्रा के स्टेशन मास्टर ने कंचन गंगा एक्सप्रेस को TA 912 जारी किया था। ट्रेन 10 मिनट से यहाँ रुकी रही, यानी ट्रेन को आगे चलना था पर वो रुकी रही और 8:42 पर रंगापानी से निकली मालगाड़ी आगे चलकर कंचन गंगा एक्सप्रेस से भिड़ गई। खैर, ये दोनों थ्योरीज हैं, असली और ऑफिशियल वजह क्या है ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। मानो क्या मालगाड़ी को खराब सिग्नल को तेज स्पीड से पार करने के लिए TA 912 भी दिया गया था, या ये लोको पायलट की गलती थी जिसने डिफेक्टिव सिग्नल नॉर्म का उल्लंघन किया। वैसे अगर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है तो रेलवे के नियम के मुताबिक ड्राइवर को हर डिफेक्टिव सिग्नल पर 1 मिनट के लिए ट्रेन को रोकना चाहिए था। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रेन की स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए थी। वैसे इन दोनों के अलावा एक तीसरी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी हो सकती है। देखिए, कंचन गंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के टकराने की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होना भी हो सकता है। दरअसल रेलवे में हर रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही कोई ट्रेन ट्रैक सेक्शन पे आती है तो इस सर्किट के जरिए अगले स्टेशन के कंट्रोल रूम को ट्रेन के आने का पता चलता है। ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करता है। ट्रैक चेंज करते वक्त कई बार टेक्निकल या मानवीय गलती हो जाती है जिसकी वजह से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता और ट्रेन गलत ट्रैक पर जाने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकरा जाती है। नाउ, कवच सिस्टम क्या है? बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कवच सिस्टम की भी खूब चर्चा हुई। अब की तरह तब भी यही पता चला था कि उस रूट पर कवच सिस्टम नहीं था। दरअसल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने इसे डेवलप किया है और ये सिस्टम आज का नहीं है बल्कि 2012 में ही इस पर काम शुरू हो गया था। तब इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था। ये कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। तो ये सिस्टम कई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इन्हें ट्रेन और ट्रैक पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID वाले टैग को पटरियों, स्टेशन यार्ड या और सिग्नलों पर लगाया जाता है। इससे पटरियों की पहचान की जाती है और ट्रेन के डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। सिग्नल आने से पहले ही लोको पायलट को मालूम चल जाता है कि वो ग्रीन है, रेड है या डबल येलो। अगर कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को पार करता है, कवच एक्टिव हो जाता है, ये लोको पायलट को अलर्ट कर देता है और ट्रेन के ब्रेक का कंट्रोल खुद ले लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को एक तय दूरी पर रोक देता है। एक बार सिस्टम एक्टिव हो जाने पर 5 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाती है। 4 मार्च 2022 को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लोकोमोटिव इंजन में बैठकर इसका टेस्ट किया था। ये टेस्टिंग सक्सेसफुल रही थी और 200 मीटर पहले ही ट्रेन रुक गई थी। देश में कवच कहाँ है? जैसे पहले बताया, जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ कवच सिस्टम लगा नहीं था। भारतीय रेलवे नेटवर्क 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और मौजूदा वक्त में कवच सिर्फ 1500 से 1600 किलोमीटर पर लगा हुआ है। केंद्र ने 2022-23 के दौरान 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना बनाई थी और इसका टारगेट लगभग 34,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवर करना है, मगर इसे संचालित करना बहुत महंगा है। अब आते हैं जापान पर कि आखिर इतनी फास्ट ट्रेन होने के बाद भी वहां पर एक्सीडेंट क्यों नहीं होते। देखिए, जापानी ट्रेन की अगर बात करें तो वो न सिर्फ सेफ है बल्कि वो आरामदायक, साफ और बिना लेट किए समय पर चलती है। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन होने के बाद भी यहाँ दो ट्रेनों के आपस में भिड़ने के मामले लगभग ना के बराबर हैं। आखिरी मामला 2015 में आया था, वो भी उस साल का इकलौता ऐसा मामला था।
जापान में पहला रेलवे 1872 में खोला गया। वहीं दुनिया भर में मशहूर जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन भी कहा जाता है, सबसे पहले 1964 में चालू हुई थी। बुलेट ट्रेन आज जापान के समाज का एक हिस्सा बन गई है, जिस पर हर नागरिक को गर्व है। जापान में बुलेट ट्रेन को चलते 50 साल हो गए हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के बावजूद जापान की रेलगाड़ियां अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने सालों की निरंतर सेवा के बाद भी ये किसी यात्री दुर्घटना का शिकार नहीं हुई है। 1987 में सरकार ने जापान नेशनल रेलवे JNR को डिवाइड करने और उसका प्राइवेटाइजेशन करने का कदम उठाया था। आज देश का लगभग 70% रेलवे नेटवर्क जापान रेलवे JR ग्रुप कंट्रोल करता है। ये ग्रुप JRN का उत्तराधिकारी है। बाकी का बचा हुआ रेलवे नेटवर्क दर्जनों प्राइवेट रेलवे कंपनियां ऑपरेट करती हैं। नाउ, जापान रेलवे सबसे सुरक्षित क्यों है? सेंट्रल मैनेजमेंट। ट्रेनों के ऑपरेशंस के बारे में सभी जानकारी जनरल कंट्रोल सेंटर में सेंट्रल तरीके से मैनेज की जाती है, यानी सब कुछ एक जगह से मैनेज किया जाता है। इस डेटा के आधार पर ऑपरेशन कमांडर ट्रेन ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ट्रैक पर हर समय रहती है निगरानी, पटरियों पर कुछ भी गिरने से रोकने और लोगों को और वाहनों को उस एरिया में अंदर घुसने से रोकने के लिए अलग सिस्टम मौजूद है। इस एरिया की लगातार निगरानी की जाती है। अगर पटरियों पर कोई चीज या कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है तो ट्रेन को तुरंत रोक दिया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर सेंसर्स और बाकी डिवाइसेस की मदद से बारिश, बर्फबारी, हवा की गति, नदी के स्तर और बाकी चीजों पर नजर रखी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोक दिया जाता है। भूकंप रोधी सिस्टम। जापान में सालाना कई बार भूकंप आता है। उससे निपटने के लिए रेलवे लाइन पर अलग अलग जगह पर सीस्मोग्राफ सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। जरूरत पड़ने पर सिस्टम ट्रेन की पावर को कट कर देता है। इस तरह ट्रेन रुक जाती है और नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। मेंटेनेंस और जांच में सख्ती। जापान में मेंटेनेंस को लेकर सख्ती बढ़ती जाती है। मेंटेनेंस का स्तर कैसा रहा, इसकी जांच की जाती है। आइए अब जरा कवच और जापान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रेलवे के मुताबिक 2014 से 2023 तक देश में 714 छोटे बड़े रेलवे हादसे देखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साल 2015 में 131 एक्सीडेंट हुए थे और 2014, 15, 16, 17 में लगातार 100 प्लस एक्सीडेंट हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 जून 2023 को 1200 रेल एक्सीडेंट के बाद भी 14 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 2022-23 तक हर साल औसतन 44 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। वजह की बात करें तो इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट्स के पीछे ट्रेन का पटरी से उतरना मेन वजह रही है। 2018-19 में 59 घटनाओं में से 46 दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण हुई। ट्रेनों में आग लगने की 6 घटनाएं हुई। वहीं 2022-23 में जहां 48 रेल दुर्घटनाओं में से 6 का कारण टकराव था, वहीं 36 दुर्घटनाओं का कारण ट्रेन का पटरी से उतरना ही था। पिछले साल संसद में दिए गए एक जवाब से पता चलता है कि साल 2023-24 में जुलाई तक ट्रेन टकराव की 4 घटनाएं हुई हैं। देश भर में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े ट्रेन हादसे भी देख लेते हैं। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर 2023। ये भारत में हुई सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक थी। 2 जून 2023 को हुए इस हादसे में कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना तब हुई जब चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई और ओडिशा के बालासोर में एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद हावड़ा की ओर जा रही यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे बगल की पटरी पर बिखरे हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस के पलटे हुए डिब्बों से टकराने के बाद पटरी से उतर गए थे। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा 2022। 13 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दोमोहानी इलाके में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए थे। हीराखंड एक्सप्रेस हादसा 2017। 21 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के कोनेरू स्टेशन पर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस ट्रेन दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए थे। अब सवाल आता है कि इन हादसों को रोका कैसे जाए। एक लाइन पर चल रही दो ट्रेनें टकरा ना जाएं, इसके लिए भारत में एक कवच सिस्टम है। ये सिस्टम दार्जिलिंग की उन पटरियों पर नहीं था जहां टक्कर हुई। खैर, आपको क्या लगता है कि हमारी ट्रेन इतनी सेफ कब तक हो पाएंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।